हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम योर श्री हियर एंड आई रियली होप दैट यू गैस आर डूइंग वेरी गुड सो आज के वीडियो में मैं आप से शेयर करने वाली हूँ अगर आपकी आंकटे पिम्पल स्किन है देन आप उसके ऊपर कैसे मेकअप करें कैसे मेकअप के थ्रू आप उन्हें हाइड कर सकते हो अगर आपके आंकटे मार्क्स है पिम्पल्स है एंड ब्लेमसेस है आप उसे कैसे हाइड कर सकते हो सो so, मैंने क्रिएट करा है बहुत ही सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक आप इसे किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए इजीली क्रिएट कर सकते हो सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट सो सबसे पहले यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी फेस पे पिंपल्स आ गए हैं बहुत सारे अभी तो थोड़ा बहुत कम हुआ है आ, बिना फेस को अगर प्रेप करें आप कुछ भी अप्लाई करते हो देन आपके साथ यही होने वाला है मेरे साथ यही हुआ है सो so, सबसे पहले मैंने अपनी फेस को अच्छे से क्लीन करके टोनर एंड मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन यहाँ मैं स्किन को प्रेप कर रही हूँ प्राइमर से जिससे आपकी पोर अच्छे से फील हो जाएंगे एंड आपकी स्किन के ऊपर एक स्मूथ सा बेस क्रिएट हो जाएगा जिससे आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी केक पैची नहीं लगेगा एंड ये एक सेफ लेयर की तरह वर्क करेगा आपकी स्किन एंड आपकी मेकअप के बीच इसे अप्लाई करके आप कुछ भी अप्लाई करो वो आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगी एंड आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी सो दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ओके सो इसे अच्छे से आपकी पूरी फेस पे एंड नेक पे आपको अप्लाई करना है एंड स्प्रेड करके इसे अच्छे से ब्लेंड आउट करनी है सो देन क्या मैं यूज कर रही हूँ ग्रीन कलर करेक्टर जहाँ जहाँ अपनी सॉरी जहाँ जहाँ आपकी मार्क्स है एंड पिंपल्स है उसके ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी बस अप्लाई करनी है बहुत ही लाइट क्वांटिटी में जैसे यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ मेरी पिंपल्स है थोड़ी थोड़ी मार्क्स भी हो गए हैं मैं वहाँ अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं फिंगर के हेल्प से ब्लेंड आउट कर लूँगी ये क्या करेगा जो एक्टिव मार्क्स होती है उसका जो कलर हो जाता है लाइक ब्लैक हो जाता है रेड हो जाता है ये उसे सही कर देगा एंड इसके ऊपर आप अगर फाउंडेशन अप्लाई करते हो वो फ्लॉलेस दिखेगा आपका पूरा स्किन इवन दिखेगा सो so, इसे ब्लेंड करने के बाद आपको कंपैक्ट से इसे थोड़ा सा सेट करना है बहुत ही लाइटली सेट करना है ताकि फाउंडेशन के साथ ये मिक्स ना हो जाए अगर ये फाउंडेशन के साथ मिक्स हो जाता है ना देन वो ग्रीन कलर ही आ जाएगा आपकी स्किन को स्किन के ऊपर ओके okay, सो so, देन हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे यहाँ मैंने लिया है लैक्मे का नाइन्टी टू फाइव फाउंडेशन गाइज जो भी मैं प्रोडक्ट आज मैं यूज़ कर रही हूँ सबका डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो so, गाइज ऐसा नहीं है कि हमें आंकने हैं पिंपल्स हैं उन्हें हाइड करने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट का फाउंडेशन अप्लाई करना है ऐसा नहीं है जितनी ज़रूरत है उतनी ही आपको अप्लाई करनी है सो so, यहाँ मैंने अप्लाई कर लिया है इसकी जो एप्लीकेटर आता है एंड देन मैं इसे ब्लेंड करूँगी एक ब्यून द एलम ब्यूटी स्पॉन्ज के हेल्प से डैम करके रखा हुआ था उसी से मैं ब्लेंड आउट करूंगी गाइस आपको ड्रैग नहीं करनी है अपनी फाउंडेशन को आपको डैबिंग मोशन में अच्छे से स्प्रेड करके इसे ब्लेंड करना है इससे आपका जो कवरेज uh, है वो काफ़ी अच्छा आएगा नेचुरल लुक आएगा आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी केक पैचिंग नहीं लगेगा सो so, अभी मैंने आपको क्लोजअप से दिखा दिया है थोड़ा सा ना हाइड हो चुका है हमारे पिंपल एंड आंकने जो भी था सो देन यहाँ मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मैंने फोर uh, एड पर आइज़ के कॉर्नर पर आईलेट पर नोज दी नोज पर अप्लाई करा है माउथ एरिया के पास चिन पे एंड जहाँ हमने uh, हमारी आंकने पिम्पल को छुपाने के लिए हमने ऐड करा था कलर करेक्टर वहीं पर मैंने ऐड करा है कंसीलर एंड देन मैं उसे गिन ब्लेंड कर लूँगी वह सेम ब्यूटी ब्लेंड आओ सो देन मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँगी पूरी फेस को विथ पर्पल कंपैक्ट बहुत ही लाइट वेट से मैं सेट करूँगी क्योंकि आ, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा पाउडर अप्लाई करा है आपका पूरा फेस वाइट वाइट नहीं लगेगा बहुत ही जस्ट आपको ब्रश के साथ एक ही बार लेना है एंड देने देन उसे प्लेस करना है देन उसे डस्ट आउट करनी है एंड द सेट सो देन यहाँ मैं अपनी आईब्रो करूँगी वेटन वाइल पैलेट से ये वाला शेड लेकर दिस आर डार्क ब्राउन शेड इससे मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से फील कर लूँगी देन स्पूली की हेल्प से कॉम कर लूँगी दिस वेरी सिंपल हम ये हमेशा करते हैं सो so हमारी आईब्रो मैनेजेबल लगे इसके बाद गाइस आपको पहले से एंड अभी आपको डिफरेंसेस दिख रहा होगा बेस मेकअप में पहले मेरी फेस पे बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा था अभी थोड़ी सी हाइड हो चुकी है बट तो हमारे जो पिंपल्स है ना वो टाइनी बॉम्स जो होती है वो तो हाइड नहीं हो सकता वो तो बॉम्स तो दिखेगा ही दिखेगा बट जो मार्क्स होते हैं वो हाइड हो जाएगा आपका सो so देन मैंने अगेन लिया है वेट एंड वाइल्ड पैलेट से ये मरून uh, शेड इसे लेकर मैं अपनी इनर कॉर्नर एंड आउट ऑफ व्यू पर अप्लाई करके अच्छे से ब्लेन कर लूंगी इसे मैं स्प्रेड कर लूँगी अपनी क्रीज पे एंड ट्रांजिशन पे थोड़ा सा स्प्रेड करके मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी देन मैंने सेम पैलेट से लिया है ये ब्लैक शेड इसे मैं सेम तरीके से अप्लाई करूँगी जैसे मैंने इनो कॉर्नर पे अप्लाई करा था एंड आउट ऑफ वे एंड देन मैं उसे ब्लेंड करूँगी अच्छे से दिस अ वेरी सिंपल आई लुक लाइक हॉलो आई लुक पर्पल का मैंने क्रिएट करा है ओके okay, सो so अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंड करने के बाद मैंने लिया था स्टेक वर्क की आई पैलेट उसी से मैंने लिया है ये पर्पल शेड इज अ वेरी शिमर शेड uh, इसके बाद आपको कोई गोल्डन आई शेडो आई मीन सॉरी ग्लिटर आई शेडो की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बहुत सीमा आई शाडो है एंड बहुत ही पिगमेंटेड है सो so, इसी को मैं अपनी फिंगर की हेल्प्स लेकर मिडल आईलिड पर मैंने अप्लाई कर लिया है सेंटर लिड पर अप्लाई कर लिया है देन मैंने लिया था पर्पल का काजल एंड मैंने उसे अप्लाई करा है अपनी अपर वाटरलाइन को टाइट लाइन करा है बस एंड लोअर वाटरलाइन के लिए मैंने लिया था ग्रीन काजल ग्रीन काजल फ्रॉम मेबलिन न्यूयॉर्क हमेशा ना हमेशा गलती होती है प्लीज़ यार माफ़ कर देना सो so देन मैंने थोड़ा सा लिया था मेरून शेड एंड उसी को लेकर मैं वो ग्रीन शेडो के साथ सॉरी ग्रीन काज़ल के साथ मिक्सअप करके ब्लेंड कर लूँगी लोअर लास्ट लाइन पर एंड देन मैं यहाँ फॉल्स अप्लाई कर रही हूँ ओके okay, सो so देन यहाँ लोरियल और से मैं अपनी फेस पे कलर आर्ट करूँगी लाइक लिटिल बिट काउंटर भी हमारा हो जाएगा एंड ये आपकी फेस को एक डायमेंशन भी दे देगा तो so, थोड़ी सी मैं मीडियम अप्लाई करूँगी उतना लाइट नहीं उतना हैवी नहीं मीडियम अप्लाई करूँगी देन मैं अपनी जॉ लाइन को कॉन्ट्रोल कर लूँगी एंड नोज़ को भी मैं कॉन्ट्रो कर लूँगी एंड आप चाहो तो अपनी फोरेड uh, को भी अगर आपका फोरेड बड़ा है देन आप उसे छोटा दिखाने के लिए भी कॉन्ट्रो कर सकते हो बट मैं कभी करती नहीं हूँ कि मेरा फोर वैसे ही छोटा है सो देन यहाँ सुबह की ब्लश की हेल्प से शुगर ब्लश मैं अप्लाई कर लूँगी शुगर ब्लश मैं अप्लाई कर लूँगी सो आप चिक्स पर आपको अप्लाई करके इसे अच्छे से ब्लेंड आउट करनी है ताकि ओवर ना लगे अगर आपका ब्लश ओवर लगता है तो पूरा मेकअप स्पॉयल हो सकता है सो so, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा सो so, यहाँ लैकमे आइक्रॉनिकलिंग मुस्कारा से मैं अपनी lashes को अच्छे से कोट कर लूँगी एंड जो मैंने फॉल्सिस अप्लाई करा है उसके साथ मेरी नेचुरल लाशेज को मर्श कर लूँगी देन यहाँ सिवाना पैलेट से मैंने लिया था सिल्वर शेड हाइलाइटिंग शेड एंड उसी को लेकर मैं अपनी फेस की हाइस्ट पॉइंट्स लाइक माय फोर चिन ब्रा बोन चिक बोन द नोज एंड आइज़ के इनर कॉर्नर को अच्छे से हाईलाइट करने के बाद सेटिंग्स पर अप्लाई करके मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लूँगी ताकि हमारा पूरा मेकअप ब्लेंडेबल लगे ओके okay, सो so देन यहाँ लिपस्टिक के लिए मैंने लिया था पर्पल का ये बुलेट लिपस्टिक ये प्रटि पिंक कलर है बहुत ही ब्यूटीफुल सा एंड प्यारा सा कलर है ये पिंक कलर है ये सो इसी को मैं अप्लाई कर लूँगी आई थिंक इस लुक को ये लिप शेड अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है सो so, ये रहा हमारा फाइनल फिनिश लुक एंड आई रियली होप आपको पसंद आ रहा होगा एंड पहले आपने मेरी स्किन देखी थी पिंपल्स थे सब कुछ क्लियरली विजिबल था बट अभी आप मेरी फेस देख रहे हो इतना नहीं दिख रहा है पिम्पल्स एंड एक्ट नहीं इतना नहीं दिख रहा है सो या गाइज यही थी आज की वीडियो आई रियली होप आपको पसंद आ रहा होगा अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है एंड ये लुक आपको पसंद आ रही है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर हिट कर देना फॉर अपकमिंग वीडियोज़ So yeah see you soon with an see you soon with new amazing video till then take care and bye